ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब टेलीकॉम कंपनियों पर कर्ज का बोझ उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा हो गया है। रिलायंस जियो के मार्केट में पैर रखने के साथ ही मानो पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में उथल पुथल मच गई है। कहीं मर्जर हो रहा तो कहीं लुभावने ऑफर्स आ रहे हैं। अगर नवंबर से अभी तक के निफ्टी के आंकड़ों को देखें तो ये काफी ऊपर गया है, और इसके साथ ही भारतीय एयरटेल और आइडिया सेल्युलर जैसे कंपनीज के शेयर में भी अच्छे उछाल आए हैं। पर वहीं अगर हम लोग पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की टेलीकॉम कंपनीज का टोटल मार्केट डेट इन कंपनीज के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा हो चुका है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जहां 2007 में इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,68,000 करोड़ था, वो अब 1,94,000 करोड़ हो गया है, जबकि मार्केट डेट 29,000 करोड़ से बढ़कर 2,19,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और वर्तमान समय में रिलायंस जियो के बाकी के टेलीकॉम इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यही लगता है कि ये तस्वीर और गंभीर हो सकती है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।